Assalamualaikum दोस्तों, मेरा नाम है महादेव और एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जो कि आप सब वीडियो में देख रहे हैं कि एक मेरे पास USB वाईफाई रिपीटर है जो कि एक्सटेंडर है Xiaomi का और MI का यानी कि, और एक है पावर एक्सटेंशन जो कि Xiaomi की तरफ से ही है। और मैं सबसे पहले Mi की जो सी पावर एक्सटेंशन है इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और थोड़ी देर इसके बारे में डिटेल दूँगा, और आपको ये भी बताऊँगा कि ये पाकिस्तान में मिल रही है, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर होते हैं कहते हैं Mi की चीज़ें चाहिए, Mi की, और Mi की ये Xiaomi की ही चीज़ है। तो इसको मैं ओपन करूँगा और इसकी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग आपको बताऊँगा और इसकी थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल्स दूँगा। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। अच्छा दोस्तों, देखने में तो अच्छी लग रही है, अभी पैकिंग से निकालते हैं, देखते हैं इसकी। ओ वाओ, कूल, ऑसम। स्लिम साइज़ है, छोटा साइज़ है, कलर वाइट है और मेन्यू में फारसी लिखी हुई है, यानी कि चाइनीज़ लिखी हुई है, जो समझ से बाहर है। दोनों साइड पे यही है, चाइनीज़ लिखी हुई है। मैं असल में देख रहा था कि इसके ऊपर फास्ट चार्जिंग कहीं लिखा हुआ कि नहीं, लेकिन ये नॉर्मल चार्जिंग है, यानी कि क्विक चार्जिंग जो आम नॉर्मल रूटीन चार्जिंग होती है ना, वो ही है इसके अंदर। कलर वाइट है, ब्लैक पाकिस्तान में नहीं आ रहा, तो फिर भी मैं इसकी ज़रा डिटेल्स देखता हूँ, इसे खोल के ज़रा इसे चला के देखता हूँ। अच्छा दूसरी एक बात चीज़ ये भी है कि ये इसके डब्बे पर भी कहीं नहीं लिखा हुआ, ये इंग्लिश कहीं भी नहीं लिखी हुई, क्योंकि ये चाइनीज़ वर्जन में आई है, ग्लोबल वर्जन में नहीं है, ये चाइनीज़ ही वर्जन में आई है। जैसे ये Mi का बैंड आया था ना, वो चाइनीज़ वर्जन में आया था, ग्लोबल वर्जन में आया था। जो ग्लोबल वर्जन में था उसमें इंग्लिश डाली गई थी, और जो चाइनीज़ वर्जन में था वो इंग्लिश में आता है। पाकिस्तान में भी पहले वही आया है, लेकिन अभी फिर है। चलो एक्सटेंशन के ऊपर बात करते हैं। ये 2500 वाट की एक्सटेंशन है और 3 USB इसके पोर्ट हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो इसकी सॉकटें हैं वो यूरोप वाली सॉकटें दी हुई है, यानी कि यूरोप की दी हुई है, अमेरिका की दी हुई है और UK की दी हुई है, यानी कि आगे वाला प्लग से आपको अंदाज़ा होगा ये 3-pin प्लग है। ये पाकिस्तान में कहीं नहीं चलता, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे पाकिस्तान में आपको चला के दिखाऊँगा। एक मल्टी अडाप्टर मिलता है जो आपको मैं आगे दिखाता हूँ वीडियो में, आप वीडियो के एंड तक देखो, आपको सारी चीज़ समझाऊँगा और चला के भी बताऊँगा। ये वैसे मेरे ख्याल से ना, ये दफ्तर या ऑफिस वर्क के लिए अच्छी बनी हुई है, छोटे साइज़ में, और बहुत स्लिम है और लाइट वेट है, वज़न भी नहीं है इसका, बिल्कुल छोटे साइज़ में वेट इसका बिल्कुल है ना होने के बराबर है। आप बैग में रख के कहीं भी दुबई ले जाएं, कहीं भी ट्रैवल वगैरह करते हैं तो वो आप लेके जा सकते हैं। बटन छोटा सा उन्होंने दिया हुआ है, इसका जो सॉकेट है जो सीनियर्स की बात कर रहा था, इसका एक कन्वर्टर मिल जाता है आसानी से, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। कन्वर्टर ये है, ये मल्टी कन्वर्टर होता है जो बाइक से आता है, इम्पोर्टेड होता है। अगर ये किसी ने बाय करना है तो ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी आप मुझसे बाय कर सकते हो। अगर एक्सटेंशन किसी ने बाय करनी है तो वो भी बाय कर सकते हो, दोनों भी प्राइस एंड होता है। और अगर ये नहीं मिलता तो फिर एक और चीज़ है जो कि इंटरनेशनल यूज़र अक्सर यूज़ करते हैं, उनके लिए है कि वो आप लोग ये बाय कर लो। ये एक कन्वर्टर होता है जिसके अंदर यूनिवर्सल प्लग होते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर चीज़ें लग जाती हैं, और ये इसके अगर 3-pin होता है, फिर इसमें आपको 2-pin और फ्लैट पिन मिल जाएगा। 2-pin हो गए जो कि जो पाकिस्तानी सॉकेट है, और पीछे ये फ्लैट हो गया, और फिर किस तरह की सॉकेट होती है जो फ्लैट होती है, जिसे आप उसकी पिन अराउंड भी कर सकते हैं आराम से। नीचे ये देखें, ये भी मैंने अराउंड कर दिया। फिलहाल तो मुझे ज़रूरत 2-pin को लगा के चेक करनी, आसानी से लग गया है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं जो पाकिस्तान में ना मिलती हो। फिर भी मैं लगा के कर चेक कर दिया, देरी कि नहीं, तो
आप लोगों ने घबराना नहीं है कि आप लोग ये इसके जो सॉकर देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान में नहीं चलती, ये पाकिस्तान में चल जाती हैं, ट्रोपिन भी चलेगी, ये भी चल जाती है, जो कि मैंने आपको कन्वर्टर पर लाया, वो भी इस पर लग देते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इस पर शामी की ही USB लगा के ज़रा इसे चेक कर लेता हूँ, और ना मोबाइल चार्जर जिससे दूर पड़ा होगा तो मैं देख के मुनासिब समझता हूँ, मैं ज़रा इसी का टेस्ट कर लेता हूँ, इसी इसकी वीडियो आपको अगली वीडियो में मिलेगी, मैं बनाता हूँ इसकी वीडियो भी। आपको लाइट नज़र नहीं आएगी, अभी नज़र आएगी, अभी लाइट नज़र आ रही होगी आपको, ये ब्लिंक कर रही है, यानी कि USB इसकी वर्किंग है और ये इसकी एक्सटेंशन की जो लाइट है वो भी वर्किंग है। ये इसका डब्बा है शामी का, अगर ये किसी ने बाय करनी है तो ये भी आप मुझसे बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। और मोबाइल चार्जर USB को कनेक्ट कर लिए है इसके साथ पावर एक्सटेंशन के साथ, हालांकि मुझे मोबाइल केबल लेके आनी थी तो मोबाइल केबल पड़ी हुई थी यार नीचे पड़ी हुई थी, तो मैं उससे टाइम को बचने के लिए मैंने सोचा रहने दो USB लगा लेते हैं। तो वीडियो में नज़र आ रहा है लाइट ऑन हो गई है USB की, यानी कि USB में करंट आ रहा है। मोबाइल की केबल होती तो पता ये चल जाता कि कितने परसेंट में कितने मोबाइल चार्ज कर रहा है, और इसकी प्राइस जो है शामी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2400 रुपये लगी हुई है, कहीं से कहीं पाकिस्तानी वेबसाइट पर 2300 रुपये भी लगी हुई है, दराज पे भी लगी हुई है। अगर आप मुझसे बाय करोगे तो ये आपको 1900 रुपये की मिलेगी, सिर्फ एक ही सूरत में मिलेगी कि आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स देना है और मेरी फेसबुक पे आके मुझे मैसेज करना है कि मैंने आपकी वीडियो पे कमेंट्स दिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर करना और मुझे फॉलो करना है तो माजिद विजय 2 मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की और ट्विटर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।